के विनम्रता ये है कि राहुल गांधी जी आनंद विहार स्टेशन पे आए 5 मिनट के लिए, हमसे मिले बस। मुझे हो गई क्या 24 साल में, मतलब मेरे टाइम में 9 रुपये की रेट है, आज 100 रुपये की रेट है। तो दिन भर में 4 मजूरी मिलेंगी, 2 मिलेंगी, तो 200 रुपया तो हमारा खर्चा ही हो जाता है। यहाँ अंदर जाके जो रैंप है, सीढ़ियाँ नहीं है, तो रैंप पे क्या है, ट्रॉली बैग है आजकल स्लाइड किया और चल रही, एक हाथ में 2 आगे एक ऊपर एक रख लिया और उससे काम डाउन है। जैसे मॉडर्न जमाना चलो हो गया, लेकिन मॉडर्न जमाने के हिसाब से गरीब तो रहेंगे ही, या तो सरकार हमारी रेट में मुनाफा करे जब तक हम कुली हैं। लेकिन सरकार से हमारी अपील ये है, 2008 में हमें ग्रुप डी में नौकरी दी गई थी कुलियों को, तो वही सिलसिला अगर दोबारा शुरू हो, नौकरी हमें दी जाए। सारे के सारे पढ़े लिखे, कोई 12वीं पास, कोई 10वीं पास, कोई 11वीं, कोई बीए, कोई बीएड, कोई बीएससी बीएड, कोई एमएससी, लेकिन गरीब परिस्थिति के कारण क्या करें, यहाँ पढ़े। यहाँ पे हमारे बीच में एक ही कास्ट है बस, यहाँ कोई हिंदू नहीं है, यहाँ कोई मुसलमान नहीं है, यहाँ कोई सिख नहीं है, कोई जैन नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कास्ट है, ओनली कुली लाल वर्दी बस। राजा होता है सामान को देखकर रोता है, हमें कोई सामान लेकर आता भरी गाड़ी आ गई, हम खुश होते हैं कि हमें रोजगार मिलेगा। एक बार बस राहुल गांधी जी जरूर मिलने आए थे कुलीन से नई दिल्ली के अंदर, उस टाइम हमारे पिताजी कुली थे वहाँ पे आए थे, और बाकी कोई नहीं आता है, कोई पूछने भी नहीं आता है यहाँ पे हमसे। कुली की रेट का आज से कम 10-12 साल पहले 60 रुपये थी, उसको 100 रुपये कर दिया, ये बदला है 40 रुपये। एक साल में डॉक्टर की फीस 100 रुपये से 1000 हो जाती है और हमारे 40 रुपये बढ़े, ये बदला है बस, 40 रुपये बदले बताओ 10 साल। हम तो इसलिए चाह रहे हैं हमारी कोई सुनने वाला आ जाए तो हमारी जिंदगी बन जाए कुछ। तकलीफ तो हुई है आपको यहाँ तक आने में? मुझे क्या तकलीफ हुई, मुझे कोई तकलीफ, पर दिल खुश हो गया। जब हमने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी को देखा, तो मैंने देखा था YouTube वगैरह पे, वो ट्रक में चल रहे हैं मजदूर साथियों के साथ में, आजादपुर मंडी में गए थे मजदूरों के साथ में, और लद्दाख में बाइक, तो फिर हमने भी ये सोचा कि हम भी उसी तकबे के आदमी हैं। राहुल जी हमेशा मजदूरों का साथ देते हैं, मजदूरों के बीच में आते हैं, मजदूरों की बातें सुनते हैं, तो हमारी दिल की ये तमन्ना थी कि एक बार हम राहुल जी से मिलें। क्या हो रहा है, कितना पैसा मिलता है, कैसे मिलता है, ये थोड़ा बताइए। सर अंग्रेजों के जमाने से कुली सेवाएं अपनी देता आ रहा है, हमारे कुलियों को 30 साल 40 साल, मेरे पिताजी 50 साल करके गए हैं, लेकिन आज वो घाट में बैठे हैं। वो आज 40 किलो वेट का 100 रुपये, अच्छा महंगाई के हिसाब से बहुत कम है सर। और 40 किलो 100 रुपये कितने डिस्टेंस के लिए? 20 मिनट तक के लिए। 20 मिनट यार, आपको कैसे चोट लगी? ये सर एक ठेले से लग गई थी। कब हुआ ये? करीब 4-5 साल हो गई सर। कहाँ पे दर्द होता है? घुटनों में होता है। कहाँ? घुटनों में होता है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ जी, ये वाले जॉइंट पे, जॉइंट पूरे पड़े हुए, बिल्कुल ढीले पड़े हुए, सर नहीं जाता है, सर पे भी, ये सब वजन तो है ही। अब यहाँ तो सर, लेकिन मजबूर सामने है कि बच्चों का पेट तो भरना पड़ेगा। इंश्योरेंस है आपका? नहीं सर, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है सर, कोई मेडिकल नहीं, कोई इंश्योरेंस। चोट लग गई तो लग गई। स्टेशन में कितने कुली हैं? और सर नई दिल्ली में 1200 सर, और पैर पसार के हम सो नहीं सकते, रात को सब दिन मेहनत करते हैं, अगर बाथरूम में जाके लेटरिन में देखो कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े। मीडिया जो है ना भैया, वो जो मजदूरी करता है उसकी बात कभी नहीं उठा जी, बिल्कुल ठीक है। बेरोजगारी, महंगाई, ये कभी आपने टीवी पे देखा? नहीं। मगर आप कहीं भी चले जाओ, जनता यही बात करती है, बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी महंगाई। जो सच्चा मुद्दा है वो मीडिया कभी नहीं दिखाता। सही बात, बताए क्यों? सबसे बड़े उद्योगपति हैं 2-3, वो इसको कंट्रोल कर, बिल्कुल, और वो जो आपकी आपकी आवाज़ है उसको वो बंद दबाते हैं, दबाते हैं। आपकी सिर्फ आपकी नहीं, मतलब जो भी हिंदुस्तान में गरीब है, गरीब है, किसान है, गरीब तबके का है, उसकी आवाज दबा देते। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़े समय में ये जो आपका स्टेशन है इसको
ये बिकने वाला है, बिल्कुल नहीं चलाएगा। बिल्कुल 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 यही बात है, बिल्कुल आप देख लेना। कुछ तैयारी हो रही है, कुछ स्टेशन है, कुछ स्टेशन को प्राइवेटाइज करने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल ये सब मतलब आस्ते आस्ते इनका काम शुरू हो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपकी मदद कर पाऊँ, तो कैसे मदद करें सर? सर हमारी मदद तो ये, सर हमको एक बार बुरुड्डी का दर्जा दिया जाए ताकि हम बच्चों का पेट पालन कर सकते हैं। आपकी सरकार ने, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और लालू यादव थे वो रेल मंत्री, जब नौकरी दी थी 2008। मेरे 25 साल हो गए सेवा करते करते, तो हमारा जो है वजन आता है तो सिर पे भी जो ले जाते हैं तो बगैर तो आता है, उसमें कोई अंदाज नहीं होता, वो 1 क्विंटल भी हो जाता है, 1.5 क्विंटल भी हो जाता है, 80 किलो भी हो जाता है। तो उस वजन के कारण जब हमारा उम्र डल जाती है तो हमारी रोशनी काम नहीं करती, नज़र छोड़ जाती है, ये हाथ पैर काम नहीं करते, छोड़ जाते हैं। तो हम क्या है अपना जो है बिल्ला अपने बच्चे को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी का बच्चा जो है सत्तारी हो, राजा हरिश्चंद की नहीं जो बुढ़ापे में नोटिस दे सके। हमारा कहने का मतलब ये कि जब हम रिटायर हो जाएं तो हमारे कुछ जो है गवर्नमेंट से ये है शिकायत है कि हमारी तनख्वाह बांध दी जाए, कम से कम 4-5 हज़ार हमारी अगर पेंशन बांध दी जाएगी तो अपना गुजारा चला सकते हैं। एक हमारा ग्रुप है आनंद विहार टर्मिनल पुलियों का, कोई भी घटना होती है, चोर बदमाश ऐसे कभी पकड़ाए भी हैं कि जैसे कोई बच्चा वहाँ से आ जाता है अपने घर से भाग कर, तो हम सारे पुलिस पैसे इकट्ठे करके उसको अपना टिकट दिलवा के घर भी भेजते हैं। हमें नौकरी अगर मिले तो हमारे बच्चों का, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों। कि मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में इंजीनियरिंग की है, इसने पॉलिटेक्निक की है, ये इसने सर इंजीनियरिंग की है। आपने इंजीनियरिंग किया जी? तो वो उसको यूज़ कभी नहीं किया? कैसे कर रहे सर, नौकरी नहीं है, क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन भी हूँ। कौन सी इंजीनियरिंग की आपने? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिशियन। तो आपके मुताबिक वो ज़ाया हो गया या उसका कोई फ़ायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिला सर, ज़ाया हो गया, मजदूरी करनी पड़ रही है। सर जी मेरी सुनो, पास मिलता है रेलवे से, वो 5 महीने का मिलता है, तो उसके जब तक नौकरी नहीं मिले तो उसको बढ़ाया जाए, तो वो दो का मिलता है। पास पास में क्या क्या मिलता है? पास में हमें दो लोगों किसका मिलता है? मियां बीवी का मिलता है, डबल हो गया मियां बीवी का, उसमें बच्चे नहीं आ सकते, बच्चे नहीं, बच्चे साथ में जाएंगे टिकट अलग से लेना पड़ेगा बच्चों को, कहां पर रखे जाएंगे? और 5 महीने मतलब वो 5 महीने के लिए 5 महीने तक चलता है, एक बार सफर कर सकते हैं, बस रहने की व्यवस्था यहां कोई फायदा नहीं, हम कोई नहीं मिल रहा, शाम कोई सुविधा नहीं, मेरा ऑपरेशन हुआ इसमें 2.5 लाख रुपए लगे, बताए देखो हाड़ का ऑपरेशन, हाड़ के पेशेंट जब भी काम कर रहे हैं पेट के लिए, इसके लिए आपको कर्जा लिया कैसे? कर्जा लिए के करा देते हैं राजस्थान में। तो हमें फिर भी सुविधा ये है कि एक बात चिरंजीवी कार्ड चलता है हमारा, उसमें हमारे लिए 25 लाख रुपए का बीमा है। मेरी माँ के बीमारी हुई थी अभी, तो सरदार सिंह हॉस्पिटल है वहाँ पे, वहाँ भर्ती करवाई थी, तो बिल आया था 60,000 रुपए, तो वो सारे पैसे वो हमारे भामाशाह कार्ड से ही कटे थे, हमें 1 रुपए का भी उसमें मतलब कुछ देना नहीं पड़ा। जन आधार राजस्थान एक और स्कीम चालू किया वहाँ पे, आपने सुना होगा कि अभी मोबाइल भी चालू करे हैं, मोबाइल स्कीम भी वहाँ मोबाइल मिल रहा है, और ये जो उबर में काम करते हैं ना, उबर ओला में काम करते हैं, उनके लिए भी वहाँ पे हमने स्कीम बनाई जी, उनकी उनकी पेंशन के लिए, उनकी मदद के लिए, तो अच्छा काम हो रहा है। कुली हॉल है तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं, पूरा कुली हॉल कचरा हो रहा है, कहीं सेवर लाइन फूट रही है, मच्छर खा रहे हैं, ये एरिया पास में इसको देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हो। आप क्या सोच रहे थे और सच्चाई क्या थी? तो समझाया मजदूरियों से बात कर, कुली अब एक्सपायर हो गए, तो उन कैसे एक्सपायर हुए? वो घुटने छोड़ गए और कुछ उनको पटे वगैरह आ गए। एज क्या थी उनकी? 50 साल। 50 साल बस यहाँ थे, बिल्कुल पैर छोड़ गए, ये उनके साथी हैं सारे, मैं भी आया, तो वो मुझे 10-5 दिन लेके साथ घूमे थे। तो मेन चीज उन्होंने क्या सिखाई आप? तमीज से बात करना, तहसीलदार से प्यार से बोलना, प्यार से मतलब गरीब की भी मदद करना। एक लड़का कॉलेज से निकलकर और वो कुली में आए और वो सर पे वजन रखे तो सर उसको नींद नहीं आएगी, पूरी रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि पूरा शरीर दुखता है। हम जा रहे थे सड़क पे, सोनिया जी मिले, सोनिया जी ने कहा था कि आप जाओ राहुल जी में, तो मैं सब कुलियों को लेके मैं आगे मान था, मैं आपके पास पहुंचा और आपने कहा था जो तुमको कराना है उनसे कह दो आपके साथ पी उठे, ये इनको लिखा जाओ, हम लिखा के आए, आप बड़े अच्छे आदमी लगे हमको। थोड़ा सा एक ये रिक्वेस्ट थी मेरी राहुल जी से कि हम कुली का काम करते आ रहे हैं, लेकिन अगर राहुल जी, मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जो आज हम कुली बने हुए हैं, आज हम राहुल जी को कुली के रूप में देखना चाहते हैं, अगर राहुल जी ऐसे करें।
कभी मौसम खराब हो जाता है थोड़ी देर के लिए? कितने टाइम के लिए खराब होता है? ज्यादा टाइम के लिए खराब नहीं होता, एक दिन, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, दस दिन, उसके बाद तो नहीं। तो थोड़ा मौसम खराब हो गया है, मौसम ठीक हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाए, ऊपर वाले ने चाहा बिल्कुल होगा, बिल्कुल साफ होगा, बिल्कुल साफ होगा। मगर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, मौसम खराब क्यों हुआ है। मौसम खराब इसलिए हुआ है क्योंकि जो मैंने पहले कहा था, जो हिंदुस्तान का गरीब आदमी है उसको कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। जैसे ये इंजीनियर साहब बैठे हैं, ये कुली का काम कर रहे हैं, तो जो हिंदुस्तान का युवा है उसको ना रोजगार मिल रहा है, उसको दिख नहीं रहा है क्या करना? कुछ नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा है, इसलिए उसके दिल में डर पैदा होता है और डर से नफरत पैदा होती है। तो अगर हमें ये ठीक करना है तो ये जो गरीब जनता है उनकी रक्षा करनी है और उनके लिए रास्ता बनाना है। आप हॉल दिखाओ अपना मुझे। चलो दिखा रहा सर। डीएम कार्यालय, डीआरएम ऑफिस कितनी बार एप्लीकेशन दे चुके हैं कि हम 165 है, हमारा हॉल बढ़ाया जाए, कोई सुनता ही नहीं है। सर हम ये चाहते हैं कि एक आप ये थोड़ा लगे कि कुली का काम हो जाए। कसम है दिन तुझे हिम्मत ना हारना, और जैसे दिन गुजरे ऐसे गुजारना, चाहे हम तंगी में गुजरे चाहे हम तंदुरुस्ती में गुजरे, लेकिन मुसाफिर की सेवा के लिए हम 24 घंटा तैनात रहते हैं स्टेशन के अंदर।